हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ फॉर नाइन के सेगमेंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। आइए इस पर बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए इक्वल टू 60 एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और सेकेंड पार्ट है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये हल हुआ। तो सबसे पहला जो दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन ए प्लस बी, तो साइन हमने लिखा और ए की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री लिखी और बी की वैल्यू जो है 30 डिग्री। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है बच्चों 1। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी का मतलब हो गया कि साइन ए तो हमने वही रखा, साइन ए की जगह वैल्यू पुट कर दी वो हो गया 60, और कॉस बी की वैल्यू पुट कर दी वो हो गया 30। फिर हमने इसकी जगह 60 रखा और फिर इसकी जगह हमने 30 रख दिया, बी की जगह 30। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। इसे रूट रूट मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो आप जानते हैं रूट हट जाता है और यहाँ ये 1/4 आया, 4/4 दैट गिव्स 1, और यही आपका क्या है, प्रूव हो गया आपका। ठीक है, काफी आसान था क्वेश्चन बच्चों। आइए इसी में अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था सेकंड पार्ट में, 10a-b इज इक्वल टू 10a-10b अपॉन 1 प्लस 10a एंड 10b। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 10a है 60 और b है 30, तो ये आ जाएगा 10 30, और 10 30 की वैल्यू आप जानते हैं 10 30 के लिए होती है 1/√3। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 10a का मान दे रखा है, 10a 60 होता है, 10 60 मतलब √3, और 10 30 मतलब 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 × 1/√3। हमने जो क्या किया, हमने सिंपली बस वैल्यू को पुट किया है और कुछ नहीं, हमने सिंपली वैल्यू को पुट किया तो वो इसका इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा 3-1/√3 और ये हो जाएगा 2 2/√3, ये कैंसिल हो गया 1/√3। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इस तरह से ये पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बशर्ते बस आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते रहें, उनको परखें, उनको जाने कि वो क्वेश्चंस की क्या बॉन्डिंग है, वो क्या कहना चाहता है। 1-cos2a / sin2a = 10a, और हमें ये प्रूव करना है, और दिया है वेयर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, जहाँ ए कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने लिया तो देखेंगे 1-cos2a, तो cos3a की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 60 अपॉन साइन, ये हो जाएगा बच्चों 60। cos 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। cos 60 1/2, sin 60 √3/2, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 और √3/2 ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, और देखिए ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कैसे वैल्यू पुट की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तभी आप इनको हल कर पाएंगे। अभी तक के हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा कि हम किस प्रकार से हम प्रूफ कर रहे थे, लेकिन अब हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें हमें प्रूफ नहीं करना, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो जैसे लिखा है 2 sin a = 1, तो इससे पूछ रहे हैं
फाइंड ए। इस क्वेश्चन में कह रहे ए बताइए कितना होगा। ठीक है बच्चों, ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम साइन ए लिख देंगे। साइन ए इज इक्वल टू वन बाई टू, और आप देख पा रहे हैं वन बाई टू किस एंगल का मान होता है, साइन। साइन किस एंगल का मान होता है, वन बाई टू। देखिए वन बाई टू मान होता है साइन थर्टी का, तो ए इज इक्वल टू आ गया वन बाय, ए इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ए इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री। फिर दूसरा आप देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। ये ए हमने ले लिया, इसी पार्ट में हमने डी ले लिया। देखिए एक और मेरी अच्छा क्वेश्चन है, टेन थ्री ए इज इक्वल टू वन, और पूछ रहे हैं ए की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आप जानते हो वन किसका मान होता है, टेन, 45। अब दोनों तरफ 10 10 कभी कैंसिल नहीं किए जाते, फंक्शंस कभी कैंसिल नहीं होते हैं। तो 3a इज इक्वल टू 45 एंड a इक्वल टू 15 डिग्री आपका, 15 डिग्री आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है, फुली ये क्वेश्चन बेस्ड है, फुली बेस्ड है आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, इस बात पर वो बेस्ड है। आइए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 cos² x = 1, और इसमें दिया है कि जो x है वो x का मान 0 और 90 डिग्री एंगल के बीच में इंक्लूडेड है। तो इसमें आपको निकालना है x की वैल्यू, पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट है कि इसमें आपको बताना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये आपको दो पार्ट इसमें हमें सॉल्व, तो आइए देखें कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला तो x निकालना है, तो आप लिखेंगे 4 cos² x = 1, तो cos² x = 1/4, तो cos x = 1/2। अब आप देखिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं और प्लस माइनस हमने नहीं लगाया, हमने केवल प्लस लिया। उसका मतलब ये है कि आगे फर्दर क्लासेस आप पढ़ेंगे माइनस वैल्यू इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो कॉस का माइनस मान होता है वो 90 के अबव डिग्री में होता है, और हमारे पास यहाँ पहले कंडीशन दे रखी है कि ये कैसा है, ये आपका जो दे रखा है ये है एक्चुअली एक तरह से ये है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए सारे मान जो सारी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमने कॉस इज इक्वल टू 1/2 रखा और ये मान होता है कॉस 30 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों 30 डिग्री। अब पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट का मान बताइए, ये जो सेकंड पार्ट लिखा है यहाँ पर सेकंड पार्ट, तो इसमें हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। साइन 30 की वैल्यू हम रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है। हम इसका स्क्वायर कर देंगे 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 3/4 आ जाएगा, और ये 4/4 दैट गिव्स 1। इस प्रकार से 1 ये आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, आई होप आपको मैथ्स अच्छी लग रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट जो हमने डिस्कस किया ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।